डोमेस्टिक वायलेंस का और ये सब केस किए हैं, ये बेबुनियाद हैं और इनका कोई मतलब नहीं बनता है। सो जहाँ तक इसको पूरा जानने की बात है, मैं जब तक जान नहीं जाऊँगा इसको कुछ कह नहीं सकता है मैं इसके बारे में। सो मैं देखता हूँ कि हाँ, जब मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो जहाँ तक रिलेशनशिप का सवाल है, आप लोगों ने देखा है कि उन्होंने खुद ने ही होली की पिक्चर पोस्ट की हैं और मेरे साउथ अफ्रीका के आने बाद हम लोगों ने शॉपिंग भी साथ में की है, हम लोग होली साथ में मनाए, उसके बाद मैं धर्मशाला चला गया हूँ। सडनली ये केस हुआ है, अभी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब तक मैं जान नहीं लूँगा तब तक मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। इसके पीछे कोई हाथ है, क्योंकि इतना बड़ा केस आदमी एकदम से नहीं बना सकता। लेकिन दो तीन बार उनसे बात हुई है, मैंने हसीन से भी बात करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। तो मैंने फादर इन लॉ से बात की है, उन्होंने भी बेचारा बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बात की है मुझसे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ बहुत जल्दी सॉल्व आउट होगी। अपने साइड से पूरा, जैसे मैं पहले था वैसे मैं अभी भी हूँ, और मैं हमेशा उनके साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ।